हेलो गाइज, हर बार की तरह आज भी अगेन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, रात को आई थी थोड़ी सी बारिश, जो कि आपको इजीली पता चल रहा होगा। और आज वेदर की बात करें तो बहुत ही मस्त हो रखा है। और अपने ट्यूबवेल पे आ जाएगी भीलवाड़ा मशीन ट्यूबवेल को बोरवेल करने के लिए। तो मैं नहा धो कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और इस मशीन ने अपना काम, जैसा कि आप जानते हो, कम्प्लीट कर दिया है। तो यार गाइज, बारिश के मौसम की वजह से ट्रैक्टर काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसको वॉशिंग कराने के लिए ले आए हैं सागवा। यहाँ पे ट्रैक्टर की वॉशिंग कर रहा है भाई, क्योंकि इस पर कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा लग गया था। तो सोचा भाई ने कि एक बार वॉशिंग करा लेते हैं, तो मैं उनके साथ आया हुआ हूँ ट्रैक्टर वॉशिंग कराने के लिए। मैं आ चुका हूँ अपने ट्यूबवेल पे। उधर देखिए बैठे हुए हैं लोग, और ये पेड़ देखिए, और ट्रैक्टर धुला के हम लोग बहुत ज़्यादा लेट आए, क्योंकि बारिश आ गई थी थोड़ी, तो वहीं पे बैठ गए थे। तो ट्रैक्टर धुला लिया, और अब वो लोग बोल रहे हो कवर हो, तो अब आँच बाड़ेंगे आँच, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस इस प्रकार के लकड़ियों की, जो कि बारिश की वजह से गीली हो गई है, बट फिर भी यहाँ पे मैं इनको एक बार रख लेता हूँ। लकड़ी वगैरह तो मैंने लगा दी, बट ये जल नहीं रही हैं, बिकॉज ये जो लकड़ी है ना, ये बारिश की वजह से काफ़ी सारी गिल्ली हो गई है। मैंने आधी से ज़्यादा माचिस को ख़राब कर दिया है, तो अब इसके अंदर थोड़ा डीजल डालना पड़ेगा मेरे हिसाब से। डीजल डालने के बाद आग लग जाएगी, तो मैं डीजल डाल लेता हूँ एक बार। सर, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद आग लगी है, क्योंकि सब कुछ गीला हो रखा था यार, और उन लोगों को पीना होगा, क्या करें, जलानी ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि दो चार लोग बाहर से आए हुए हैं। तो आग तो जला दी भाई, उनको हुक्का और भर के दे देते हैं। तो यार गाइस, भीलवाड़ा मशीन आ चुकी है। सबसे पहले कैंपर आ चुका है, और ये पीछे पीछे आ चुकी है भीलवाड़ा मशीन, जो कि अपने बोरवेल पे लगेंगी, जो कि अंदर नीचे पहाड़ की यानी कि पत्थर की कटाई करेंगे, फिर निकलेगा पानी, वो भी आपको दिखाएंगे। ये जो आगे आ रही है ये मशीन, ये होती है पत्थर की कटाई करने के लिए। ये वाली मशीन तो करती है पत्थर की कटिंग, और जो ये वाली मशीन देख रहे हो, ये एयर कंप्रेसर है, जो कि नीचे बहुत स्पीड से हवा मारता है, और नीचे जो पत्थर कटिंग होती है वो पाइप के थ्रू बाहर आती है, आ जाती है। देखिए कितना बड़ा कंप्रेसर है। तभी वो आगे रास्ते का जायजा करने के लिए गए हुए हैं ट्यूबवेल के ऊपर, फिर आगे जाएंगे।
तो यार गाइस अभी है ना रात के लगभग 11 बज चुके हैं, तो ये मशीन वाले बोल रहे हैं कि भाई हमें पिछली दो रातों की नींद है, तो इस मशीन को सेट कर रहे हैं, लगभग सेट कर दिया। अभी ये खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, बाकी ये काम सुबह करेंगे। तो हम लोग आपको कल वाली वीडियो में आगे का काम दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।